नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे पेंट सेक्टर के जो पांच बेहतरीन शेयर है उसके बारे में। देखिए, पेंट सेक्टर काफी बेहतरीन सेक्टर है जो कि आपको एकदम लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी तरह से क्षमता रखता है। देखिए, पेंट सेक्टर में जो पांचवें नंबर पे हमारा स्टॉक है जो कि काफी बेहतरीन है, देखिए लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है पेंट सेक्टर की कोई भी स्टॉक। देखिए, पहले से बजर पेंट और एशियन पेंट तो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, दूसरे स्टॉक भी कई सारे मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। आने वाले समय में अगर कोई भी स्टॉक्स मान लीजिए बजर पेंट और एशियन पेंट को नंबर वन और नंबर टू से बीट करता है तो वो स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनेगा। तो याद रखिए कि सारा बिजनेस का खेल है, बिजनेस में जो भी आगे निकलेगा वो स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। अगर एशियन पेंट ही बना रहता है तो एशियन पेंट आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो पहला स्टॉक है एक्जो नोबेल इंडिया। देखिए, मात्र 10,000 रुपये का मार्केट कैप है और बात करें करेंट प्राइस का 2,296 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.18% का है और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 74.8% है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.05 है और टोटल डेट की बात करें 63.9 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करें 208 करोड़ है और रिजर्व की बात करें तो 1,243 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और वहीं बात करें इसके चार्ट का, तो देखिए लॉन्ग टर्म में चार्ट काफ़ी सॉलिड है। देखिए, जिस तरह से एशियन पेंट का चार्ट दिखता है सेम वैसा ही चार्ट है, हमेशा ग्रोइंग चार्ट। तो ऐसे बेहतरीन चार्ट वाले स्टॉक में निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे जो स्टॉक है वो है इंडिगो पेंट्स। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर बात करें मार्केट कैप का तो 11,982 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 2,519 रुपीज का करंट प्राइस है। डिविडेंड की बात करें 0 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.6% है। प्रमोटर्स होल्डिंग 54% का है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.02 का है। टोटल डेट की बात करें 8.75 करोड़ का है और बात करें नेट प्रॉफिट का तो 70.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और बात करें वही रिजर्व का तो 516 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस कंपनी के भी साथ जा सकते हैं। इंडिगो पेंट भी काफ़ी बेहतरीन है, ये थोड़ा सा नई लिस्टेड कंपनी है। तो इसके चार्ट में अभी आपको देख सकते हैं 20% का गिरावट है। यहाँ से जो हाई बनाया था ये स्टॉक तो काफ़ी अच्छे गिरावट में मिल रहा है, तो ये स्टॉक तो और ज़्यादा नीचे आया था, तो जहाँ पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते थे। इसका परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखने पड़ेगा कि किस तरह का देता है। बाकी जो चार स्टॉक्स है वो तो काफी गजब हैं। आप देखिए अगला जो स्टॉक है तीसरे नंबर पर कंसाई नेरोलिक पेंट। कंसाई नेरोलिक पेंट ये भी काफी बेहतरीन है, ये भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और काफी पुरानी कंपनी भी है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 603 रुपीज इसका करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड 0.54% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6% का। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 75% का प्रमोटर्स होल्डिंग है। प्लस शेयर की बात करें 0 है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें 0.04 डेट टू इक्विटी का रेशियो है और टोटल डेट की बात करें 173 करोड़ का डेट है और नेट प्रॉफिट की बात करें 530 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व की बात करें तो 3,999 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और वही बात करें इसके चार्ट का तो चार्ट काफ़ी सॉलिड है। 14,000% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह का बेहतरीन ये चार्ट वाला ये शेयर है, तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है। अब बात करें बर्जर पेंट। अगला जो स्टॉक है बर्जर पेंट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। बर्जर पेंट इंडिया मार्केट कैप की बात करें 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 844 रुपीज इसका करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.26% का डिविडेंड यील्ड है और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 75% का प्रमोटर्स होल्डिंग है और प्लेस परसेंटेज बात करें 0 है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.19 का डेट टू इक्विटी है और टोटल डेट की बात करें 634 करोड़ का टोटल डेट है और नेट प्रॉफिट की बात करें 720 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व की बात करें 3,280 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और जब चार्ट देखेंगे तो चार्ट तो और भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। 29,000% का रिटर्न
दोस्तों काफी बेहतरीन ये मल्टी बैगर रिटर्न है, तो ये तो आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होनी चाहिए। ऐसे बेहतरीन स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। अब बात करते हैं इसके सेक्टर लीडर का, बर्जर पेंट तो दूसरे नंबर पे है। इसका जो सेक्टर लीडर है मतलब नंबर वन पे जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट। इसका मार्केट कैप की बात करें 288,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस जो है 3011 रुपीज का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.59% का डिविडेंड यील्ड है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 52.8% का है और उसमें से जो है 9.44% शेयर प्लीज है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.09 का डेट टू इक्विटी है और टोटल डेट की बात करें 1093 करोड़ का टोटल डेट है और नेट प्रॉफिट की बात करें 3139 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व की बात करें 12,000 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। तो ये कंपनी काफ़ी शानदार है। और वहीं बात करें इसके चार्ट का तो 17,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों इतना बेहतरीन चार्ट है इस स्टॉक का, इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो ये स्टॉक तो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। मतलब आप इस सेक्टर से देख सकते हैं कई सारे स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया, तो ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से होना चाहिए। तो ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो में इन सारे स्टॉक्स को ऐड कीजिए जो कि आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें से आप एक या दो स्टॉक जो अपने में रख सकते हैं। तो आपको जो भी स्टॉक्स इसमें से अच्छा लगे, ये जो पांच स्टॉक मैंने बताया जो लग रहा है आने वाले समय में मतलब सेक्टर लीडर है तो बना रहेगा, तो निश्चित रूप से वो भी आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट सेक्टर लीडर दोनों हैं, एक नंबर वन पे दूसरा नंबर टू पे। अगर लगता है कि कोई तीसरा स्टॉक सेक्टर लीडर बनेगा तो आप उसके साथ जाइए, निश्चित रूप से वो तो और ज़्यादा बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न आपको आने वाले समय में देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।